जिला सिरमौर का गिरी पार्क क्षेत्र काफी लंबे समय से जनजातीय दर्जे की मांग कर रहा है। ऐसे में पिछले दिनों केंद्रीय गृह मंत्री से आश्वासन मिलने से गिरी पार्क के लगभग 3 लाख लोग आश्वस्त हैं कि अब उनकी मांग पूरी होने वाली है। हाटी विकास मंच के पदाधिकारियों का कहना है कि उनकी मांग पूरी होने पर वो केंद्रीय गृह मंत्री के लिए सिरमौर के गिरी पार्क में सम्मान समारोह का आयोजन करना चाहते हैं। जिला सिरमौर का गिरी पार्क क्षेत्र जो लंबे समय से जनजातीय दर्जे की मांग कर रहा है, अब केंद्रीय गृह मंत्री से आश्वासन मिलने पर उन्हें पूरी उम्मीद है कि जल्द ही उनकी मांग पूरी हो जाएगी। हाटी विकास मंच के पदाधिकारियों ने कहा कि जैसे ही सरकार 3 लाख हाटियों की मांग पूरी करती है तो वो गिरी पार में केंद्रीय गृह मंत्री के लिए एक भव्य सम्मान समारोह का आयोजन करना चाहते हैं। इसके लिए उन्होंने पूर्व विधायक बलदेव तोमर के साथ बैठक का आयोजन किया और उनके माध्यम से उन्हें निमंत्रण भेज दिया है। विकास मंच के पदाधिकारियों ने कहा कि जैसे ही मांग पूरी होती है जगह भी तय कर ली जाएगी और उन्हें उम्मीद है कि पहले ही कैबिनेट में ये मांग पूरी हो जाएगी। बड़े भाई बलदेव तोमर जी से मिलने के लिए हमारा डेलीगेशन गया था आज 20 लोगों का, जिसमें हमने एक उनका आभार व्यक्त किया कि आपने जिस प्रकार से सिरमौर का हाटी जो मुद्दा है 3 लाख लोगों के साथ जो जुड़ा हुआ था और पिछले 6 दशकों से ये लड़ाई चल रही थी, उसको उन्होंने सही जगह अंजाम तक पहुंचा दिया है और आश्वस्त कर दिया है प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी और देश के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने, और साथ में हमने उनका आभार व्यक्त किया। और जल्दी ही हमारा जो विकास मंच है जल्द ही प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी का भी आभार व्यक्त करेंगे, केंद्रीय नेताओं का भी हम आभार व्यक्त करेंगे। जो एक ऐतिहासिक काम 3 लाख लोगों के लिए, आज पहली बार यदि सिरमौर की बात को किसी ने सुना और उस मुद्दे को सॉल्व किया तो प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी, भाई बलदेव तोमर जी और प्रदेश का जो भाजपा नेतृत्व है सुरेश कश्यप जी और सब ने इसमें इनिशिएटिव लिया है, उसके लिए सिरमौर का जो युवा विकास मंच है उसका हम आभार व्यक्त करते हैं। और साथ में आभार व्यक्त करते हैं हमारे मुख्य सलाहकार डॉक्टर रमेश सिंगटा जी, प्रदेश के हमारे जो विकास मंच के सचिव है भाई खजान जी और सारी टीम का जो आज डेलीगेशन किया था। और बाकी अगली जो क्या कहते हैं अभी जो आगे कार्यक्रम होगा, आज हमारा एक प्रतिनिधिमंडल बलदेव तोमर जी से मिला था जिनकी भूमिका जौनसार बाबर के गुलाब सिंह जी की भूमिका में वो आगे हैं। हमारा आगे का जो कार्यक्रम है वो केंद्रीय गृह मंत्री जब ये हमारा हो जाएगा अमित शाह जी का हम सम्मान समारोह गिरिपार में रखेंगे, ऐसी हमारी आज बातचीत हुई है। और पहली कैबिनेट में हमें उम्मीद है कि 3 लाख हाटियों को जल्द ही बड़ी सौगात मिलने वाली है और 1 महीने या ज़्यादा 2 महीनों के भीतर हमें उम्मीद है कि हम एक हमारा जो कैबिनेट का है वो फैसला हो जाएगा। 3 लाख लोग बड़ी ही बेसब्री से इंतजार इस मामले का कर रहे हैं। जैसे ही ये घोषणा हो जाती है, फैसला हो जाता है, हम तत्काल गृह मंत्री अमित शाह जी का गिरिपार में किसी भी क्षेत्र में अभी स्थान तय हो जाएगा और हम पूरे 3 लाख लोगों की तरफ से उनका आभार व्यक्त करना चाहते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल का हम आभार व्यक्त करना अभी से चाहेंगे और प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का हम आभार व्यक्त करना चाहेंगे और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जिनके प्रयासों से ये असंभव काम भी संभव होता दिखाई दिया।